फ्रेंड्स, कई बार हमें अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलने पड़ते हैं जहां हम कहते हैं कि मैंने फैसला कर लिया है या मैंने तय कर लिया है। जैसे मैंने यह नौकरी छोड़ने का तय कर लिया है या मैंने यह नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया है। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई हैव डिसाइडेड टू क्विट दिस जॉब, यानी मैंने इस नौकरी को छोड़ने का तय कर लिया है या फैसला कर लिया है। तो फ्रेंड्स, जब कभी भी आपको अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना हो जहां आप कहना चाहेंगे मैंने तय कर लिया है या मैंने फैसला कर लिया है, तो आप आई हैव डिसाइडेड टू करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। कैसे बोलेंगे, आइए इस बात को एग्जांपल्स में समझें। मैंने अंग्रेजी सीखने का फैसला किया है। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई हैव डिसाइडेड टू लर्न इंग्लिश। मैंने स्मोकिंग छोड़ने का फैसला किया है। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई हैव डिसाइडेड टू क्विट स्मोकिंग। मैंने पैसा बचाने का फैसला किया है। आई हैव डिसाइडेड टू सेव मनी। मैं कड़ी मेहनत करने का फैसला किया हूँ। आई हैव डिसाइडेड टू वर्क हार्ड। मैंने आपको अंग्रेजी पढ़ाने का फैसला किया है। आई हैव डिसाइडेड टू टीच यू इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह टॉपिक शानदार तरीके से समझ में आया कि जब आपको कहना हो कि मैंने तय कर लिया है, मैंने फैसला कर लिया है, इस तरह के सेंटेंसेस को आप बड़े आराम से बोल पाएंगे। फ्रेंड्स, अगर वाकई आपने इस कॉन्सेप्ट को समझा तो क्या इस टॉपिक पर दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखे और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय।